आज हम लोग दोबारा से देखेंगे क्या सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर देखने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो सातवीं आठवीं क्लास की चीज़ें होती हैं, पहले उन चीज़ों को देखें कि क्या होती हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलो। आप कहते हो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये ना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का चिन्ह अपनी जगह पे, 1.6 यहाँ रहने दो और 10⁻¹⁹ ऊपर है, नीचे आएगा तो 10⁻¹⁹ हो जाएगा। अगर हम 1.2 है, इसमें 10⁻¹⁹ मतलब 10 से डिवाइड करें, दशमलव कितने अंक जाएगा, एक अंक, और 1.2 में 10⁻², मतलब कितना, 100 से 20 है तो पावर कितना, 2, इससे भाग दें दशमलव कितने अंक, 2 अंक, तो बताओ इसमें 10⁻¹⁹ से भाग दे रहे हैं दशमलव कितने अंक जाएगा, 19 अंक, एक तो हो गया, उसका कितने 0, 18 0, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं खत्म हो रहा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 16 कूलम का क्या निगेटिव ना, इतने का निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हुआ। सिमिलरली एक प्रोटॉन पे कितने का चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का, इसमें माइनस और यहाँ प्लस, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो ऐसे लिखेंगे ना, 1.6 × 10⁻¹⁹, इसका मतलब कितने अंक, सेम वही 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16। अब देखें दोनों को, जितनी वैल्यू, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है। अगर हम लिखें किसी पे -0.1 कूलम का चार्ज है, किसी पे +1.1, इसका मतलब दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू है क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है, और एक पे निगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव है। दूसरी तरह से बताओ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है ना, एक कैसा माइनस टाइप का और एक प्लस टाइप का। ये नहीं ना हो सकता है, 0.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज है, मतलब यहाँ पॉजिटिव कर दिए, तब तो इसका मतलब है 0.1 इधर 19 अंक चला जाएगा ना, तो 16 के बाद कितने 0, 18 0, वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी। इसका मतलब पॉजिटिव या निगेटिव कहाँ है, यहाँ है। अगर हम कह रहे हैं किसी पदार्थ के पास -1 कूलम का चार्ज है और +1 कूलम का चार्ज है, तो बताओ इसके पास नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज 0 होगा, होगा कि नहीं, नेट चार्ज 0 होगा, इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आइए एटम की बात करें, जैसे सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे, होंगे मंसूर हो जाता है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इतना चार्ज, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका 11 गुना निगेटिव चार्ज और इसका 11 गुना पॉजिटिव चार्ज, तो क्या मिलेगा, नेट चार्ज कितना, 0, जितना निगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सोडियम एटम पे नेट चार्ज क्या होगा, 0, मतलब सोडियम एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बताओ कोई भी एटम देखो, कोई भी एटम उठा के देखो, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उस पे नेट चार्ज क्या होगा, 0। इसीलिए तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्लियर ये बात। अगर हम कहते कि हमारे पास एक पदार्थ है जर्मेनियम का बना हुआ, मतलब उसमें ढेर सारे जर्मेनियम के एटम है, क्या है, ढेर सारे जर्मेनियम के एटम है, तो क्या बोलोगे, वह पदार्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसका एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दूसरा भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तीसरा भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो पूरा पदार्थ ही क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं जर्मेनियम, तो गैलियम 31,
जर्मेनियम 32, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 32, इसका मतलब इसके पास क्या होगा 32 इलेक्ट्रॉन 32 प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का 32 गुना निगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन का 32 गुना पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज इस पे क्या हो गया 0। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्लियर ये बात। तो इसका मतलब एक लाइन में हम कहें कोई भी एटम जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आइए हमको पढ़ना है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में दो सेमीकंडक्टर मेन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, बहुत गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फास्फाइड है, लेकिन मुख्यतः दो है आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसमें से भी सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ लोग इसमें से अगर पुरानी क्लास में होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, सबसे ज्यादा सिलिकॉन यूज होता है, क्लियर। तो सिलिकॉन का यूज सबसे ज्यादा होता है। अब आइए देखें सिलिकॉन के बारे में, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर क्या है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 4, इसका मतलब ये 14 है तो इसके पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो बताओ सिलिकॉन एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा 0, मतलब सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा न्यूट्रल, क्लियर ये बात। आगे बढ़ें, अगर देखो एक हाइड्रोजन एटम है, कौन है हाइड्रोजन एटम, तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और चक्कर लगा रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दोनों बहुत करीब आ जाए, ये दोनों क्या हो जाए बहुत करीब, इतना करीब आ जाए कि इसका पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करे और इसका पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करे, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों न्यूक्लियस से क्या है बंधे हुए हैं, अट्रैक्ट है, इसी को हम कहेंगे क्या बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन बोलो, कितना एटॉमिक नंबर कितना है 14, तो 2, 8 और 4, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 4, और प्रत्येक एटम की टेंडेंसी क्या होती है लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की, बोलो ऑक्टल पूरा करने की टेंडेंसी, तो इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 4 होगा। अगला जो सिलिकॉन एटम है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन 4 होगा, ये जो सिलिकॉन एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 4, अगला सिलिकॉन एटम इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन 4, मतलब सभी सिलिकॉन एटम के पास क्या होंगे 4-4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पे सभी सिलिकॉन एटम के क्या टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं बोलो भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं, मारेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थोड़ी हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है 14, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम क्या दिखा रहे हैं इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहे हैं, और ये कितना इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ये चाहेगा कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये इसकी टेंडेंसी होगी। चलिए एक ही कलर में कर देते हैं, बड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, अब समझ जाओगे आप। इसकी जब टेंडेंसी होगी कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाए 8, तो देखो ये सिलिकॉन एटम इतना करीब आ जाता है कि आप कहोगे किताबी भाषा, किताब क्या कहेगी, किताब कहेगी ये सिलिकॉन एटम प्रत्येक एटम क्या करेगा अपने चारों नेबरिंग एटम से, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, चारों नेबरिंग एटम के साथ क्या बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, प्रत्येक सिलिकॉन एटम, प्रत्येक मतलब हम इसी को ले रहे हैं, ये क्या करेगा चारों नेबरिंग एटम, देखो इधर का पड़ोसी एटम ये, इधर का पड़ोसी एटम ये, इधर का ये और इधर का ये, तो चारों नेबरिंग एटम के साथ क्या बना लेगा कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा।
तो देखो क्या हो गया, इसके पास दो दो चार दो छह दो आठ, आठ पूरा। लेकिन इसका सेंस पकड़ो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सिलिकॉन, 14 प्रोटॉन होंगे, होंगे न्यूक्लियस में। ये 14 प्रोटॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किए होंगे, लेकिन पड़ोसी के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किए होंगे। ये इसका प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन इधर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए हैं, लेकिन इसको भी अट्रैक्ट किए हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट किए हैं, इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब ये चार आठों इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर आ गए, न्यूक्लियस फील्ड के अंदर हो गए, मतलब उसके अट्रैक्शन फील्ड के अंदर, मतलब उनको क्या किए हुए हैं, अट्रैक्ट किए हुए। उसी समय ये पड़ोसी को देखो, ये भी जैसे ये इन दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है, तो ये भी इन दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है। उसी तरह से ये भी क्या बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से सभी के आठ पूरा हो जाएंगे और सभी अपना कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो कुछ बचा क्या, सबका बॉन्ड कंप्लीट, कुछ बच रहा है, जल्दी बोलो देख के। ये देखो साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब इस सिलिकॉन को देखो, दो दो चार दो छह एक साथ एक इलेक्ट्रॉन बच गया। बहुत लोग कहते तो ये माइनॉरिटी कैरियर है, जी नहीं, ये माइनॉरिटी कैरियर नहीं है, ठीक है। एक्चुअली किसी को भी देखें, दो दो चार दो छह दो मतलब इसका प्रोटॉन इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को सबको अपनी ओर खींचे हुए, इसका प्रोटॉन इन दोनों को सब बंधे हुए हैं। सोचो जरा, ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक लोहा रखा हुआ है, इस लोहे को अगर तुम ढकेलोगे तो लोहा तो इससे अट्रैक्ट है, नहीं ढकेल पाओगे, अरे बहुत ज्यादा ताकत लगाओगे तभी ढकेल पाओगे ना, नॉर्मली तो नहीं ढकेल पाओगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाए हैं, क्या बनाए हैं, बॉन्ड बनाए हैं, ये किसी न किसी न्यूक्लियस फील्ड के द्वारा क्या है, बंधे हुए हैं, तो क्या इनको हम ढकेल पाएंगे, नहीं। तो पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब है, कि उसको कोई अट्रैक्ट नहीं किए रहता, हम आसानी से ढकेल देते, तो यहां ऐसा कोई नहीं है। लेकिन देखो ये जो नीचे इधर किनारे इलेक्ट्रॉन बच गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, मतलब ये ऐसे गया और ये ऐसे, तो ये देखो आइटम ठीक सामने, ये किसके साथ, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ध्यान से, दो दो चार दो छह एक सात और एक आठ, इसका कैसे होगा, दो दो चार दो छह एक सात एक आठ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इस तरह से इनके भी क्या हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गए, हो गया। इधर वाले का इधर वाले के साथ, अब बताइए देखिए, क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, सबका गठबंधन हो गया, तुम लोग क्या हो अभी, फ्री इलेक्ट्रॉन, किधर फोर्स लगा उधर चल दिए, हम लोग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बंधल है, कहीं नहीं जा सकते, कदम फोर्स लगे तो, अब बहुत ज्यादा लग जाए तब कौन क्या जाता है, क्या क्लियर, इतनी बात समझ में आई आपको। तो इस तरह से क्या होगा, बॉन्ड बनेगा इसमें। अब अगर इसको मान लें, ये एक पदार्थ है जिसमें ढेर सारे सिलिकॉन के आइटम हैं, ठीक है। अब भाई छोटे से टुकड़े में क्या बनेगा, लाखों करोड़ों आइटम होंगे, यहाँ तो हम लोग की मजबूरी है कि लाखों करोड़ तो दिखा नहीं सकते, तो हम मान लिए ये पदार्थ है, तो बताओ पहले ये पदार्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है, yes, है yes, क्यों, क्योंकि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में, और 14 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिसमें से हम किसको दिखा रहे हैं, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टल पूरा कर रहा है। तो इस एटम को, इस सिलिकॉन एटम को हम कहेंगे टेट्रावेलेंट एटम, कौन सा, टेट्रावेलेंट एटम, लैटिन भाषा का वर्ड है, मोनो मोनो मतलब एक, डाई डाई मतलब दो, ट्राई ट्राई मतलब तीन, टेट्रा टेट्रा मतलब चार, पेंटा पेंटा मतलब पांच, और एक वर्ड है हमारी वैलेंसी, वैलेंसी जिसको हम लोग कहते हैं संयोजकता। नॉर्मल भाषा में एक लाइन में कहें, पूरी वैलेंसी थोड़ी पढ़ाई जाएगी, एक लाइन में कहें वैलेंसी क्या होती,
ऑक्टल पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है वही उसकी वैलेंसी है। तो बताओ इस सिलिकॉन का 8 पूरा करने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है? यही 4 इलेक्ट्रॉन ना, यही ना साझा किया, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4। तो इस एटम को, जिस एटम की वैलेंसी 4 है, उस एटम को क्या कहेंगे हम लोग? 4 वैलेंसी है तो कहेंगे टेट्रावेलेंट। क्या कहेंगे? टेट्रावेलेंट एटम। उसको क्या कहेंगे? टेट्रावेलेंट एटम। तो पहला सिलिकॉन कैसा एटम है? टेट्रावेलेंट एटम। कौन सा बॉन्ड बनाता है? देख के बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा आइटम है? टेट्रा वैलेंट आइटम है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अगर इसको हम, इस पदार्थ को क्या कर दे? बैटरी से जोड़ दे। इस पदार्थ को किससे जोड़ दे? बैटरी से जोड़ दे। चलो जोड़ दिए। अभी ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तार क्या होता है? कंडक्टर ना, और तार में क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड बनने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्या कंडीशन होगी? बैटरी की निगेटिव प्लेट, उस पे क्या होगा? ढेर सारा निगेटिव चार्ज। क्या करेगा? इस वाले चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा? उसको ढकेलेगा, रिपल करेगा। तो ये किसको रिपल करेगा? अगले को। अगला किसको? अगले को। ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और ये इसको। ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, और इधर पॉजिटिव वाला क्या करेगा? इनको खींचेगा, मतलब इस पे फोर्स लगेगा। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ पाएंगे? जवाब दो, नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं ना बढ़ पाएंगे। अब एक चीज, करंट, एक वर्ड आता है करंट। करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मारेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हिंदी में कहें तो आवेश के प्रवाह की दर। याद आया? आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर। क्या मतलब हुआ आवेश के प्रवाह की दर का? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब? एक सेकंड में कितने में? एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया? एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया? बताओ क्या इससे चार्ज फ्लो कर रहा है? इससे चार्ज फ्लो किया? जीरो फ्लो किया ना। तो बताओ एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? अरे चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो चार्ज कितना फ्लो किया? जीरो। तो एक सेकंड में कितना? जीरो ही ना। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या हुई? जीरो। तो बताओ इससे करंट क्या हुई? जीरो। तो क्या बताओ इस पदार्थ से करंट फ्लो की? अगर हम कह दें अभी डायरेक्ट यही है हमारा सेमी कंडक्टर, यही है हमारा सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या बता दोगे? ये टेट्रावेलेंट आइटम है, दूसरा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बोलिए, दो चीजें मिली ना हमको। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन। तो ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इतनी प्रॉपर्टी आप समझे ना, कोई दिक्कत अब यहां तक? बढ़िया। मांगे इससे करंट का फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो नहीं हो सकता। अच्छा, जिससे करंट का फ्लो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और जिससे करंट का फ्लो नहीं होता उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। कहते हैं ना। तो ये भले सेमी कंडक्टर है लेकिन ये किसके तरह काम कर रहा है? इंसुलेटर की तरह। ठीक है, हम लोग पढ़ते आए हैं पदार्थ कितने प्रकार के? 3। सब्सटेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। थोड़ी सी हिंदी में बात करते हैं। कंडक्टर मतलब चालक, इंसुलेटर मतलब अचालक, कुचालक, जो बोलो, जिससे करंट ना बहे। चालक मतलब जिससे करंट बहे। और सेमी कंडक्टर को कहते हैं अर्धचालक, आधा चालक। तो क्या मतलब हुआ? आधा चालक है, चालक से करंट बहे तो अर्धचालक, आधा चालक मतलब थोड़ी थोड़ी करंट बहे। यही तो गड़बड़ी है। अर्धचालक का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें से थोड़ी थोड़ी करंट बहे। थोड़ी थोड़ी करंट कब बहेगी? ऐसा कंडक्टर ले लो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो करंट के विरोध करने की प्रॉपर्टी ज्यादा हो, इसमें करंट थोड़ी थोड़ी बहे। ये कुछ और है। जेंडर समझते हो? लिखा कॉलम फॉर्म भरते हो, लिखा था जेंडर। तो तुम लोग क्या हो? फीमेल हो। अच्छा, मेल हो तुम, फीमेल। एगो और होता है ताली बजाने वाला, मिला है कभी? उसको मेल कहो या फीमेल?
हाँ ट्रांसजेंडर जो है उसको क्या कहोगे तुम, मेल या फीमेल? ना मेल ना फीमेल, दोनों में से कुछ भी नहीं कहते। लेकिन तुम गौर करना, कभी वो फीमेल के रूप में दिखाई पड़ सकता है और कभी मेल के रूप में। ये भी सेमीकंडक्टर बीच वाला है बॉस, ये कभी कंडक्टर की तरह काम करेगा और कभी इंसुलेटर की तरह। कंडक्टर की तरह काम करेगा तो करंट को फ्लो करने देगा, और इंसुलेटर की तरह काम करेगा तो करंट को फ्लो नहीं करने देगा। मान लो ये सेमीकंडक्टर की बनी हुई पेन है, जाके बिजली को छू दे और ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा, तो इससे करंट नहीं फ्लो करेगी, तुमको करंट नहीं मारेगी। मेरा देखा देखी सन्नी चला, बोला इसी से तो सब छुए थे, नहीं मारा था, चल ले ठीक कर देते हैं। गया छुआ, संयोग से समूह कंडक्टर की तरह काम कर रहा है तो निकल लिया भाई साहब। माई बाप आएगा हमसे लड़ेगा, बोलेगा मेरे बेटा को भगवान न करे ऐसा हो। तो आखिर में जानना होगा कि कब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कब इंसुलेटर। लेकिन सेमी कंडक्टर कैसा पदार्थ हुआ? फिक्स है, सेमी कंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो कभी साड़ी पहन के घूमता है और कभी तुम्हारे तरह जींस पहन के घूमता है। कंफ्यूजन हो जाएगा, लड़कियां भी जींस पहनती हैं, बाल कटा लेती हैं, तो ये नहीं समझ लेना कि ना मेल है मेल है, नहीं। ठीक है, तो इसमें हमको ये देखना होगा कि कब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कब ये इंसुलेटर। तो अभी तो फिलहाल देख रहे हो ना, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। गुड, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। एक जगह रुका थोड़ी रहता है, चक्कर लगाता है, क्लियर। अगर इनको बाहर से हीट मिल जाए, क्या मिल जाए, हीट, उष्मा दे दी जाए, तो उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है ना। किसको मिल जाए, किसी एटम को, इसी की नहीं, किसी एटम को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वह एनर्जी कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। और उसकी जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो वह इलेक्ट्रॉन जो है, जो चक्कर लगा रहा, वह अपने रेडियस को बड़ा कर लेगा। और एनर्जी दोगे तो रेडियस को और बड़ा कर लेगा, और एनर्जी दोगे तो रेडियस को और बड़ा कर लेगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। एक तो चुंबक लो यहाँ, एक तो लोहा लो, खींच लिया और दूर कर लो, कम ताकत लगाएगा। एक तो चुंबक रखो यहाँ, एक तो रखो अपने नानी गांव, खींच लेगा नानी, खींचेगा क्या नानी गांव, हमको भी ले चलो नानी गांव, नहीं खींच पाएगा। तो यहां पर भी जब इसको हम हीट देंगे, हीट देंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ेगी और ये न्यूक्लियस से क्या होंगे, धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये काफी दूर हो जाएगा, मतलब अब इस एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अभी क्या होता है, ऋचा घर जाएगी, गई, लेट का हो रहा, मम्मी फोन करेगी, पापा कहेंगे क्या हुआ ऋचा नहीं आई, बेचारी बॉन्डेड है, बंधी हुई है, फ्री नहीं है। अब फ्री हो गई तो क्या होगा, कहीं आए कहीं जाए कोई मतलब नहीं। तो तुम लोग को भी लगता है थोड़ा सा फ्री मिलता है यार, फ्री होते ये भी फ्री होना चाह रहा था, फ्री हो गया ना। अब देखो जैसे ये फ्री हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो यहाँ क्या हो गई, खाली जगह ना, बोलो क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा, चली गई। तो इसका मतलब इसको ध्यान से देखो, दो दो चार दो छह एक सात, यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, सरफेस से बाहर नहीं निकल गया है, ठीक है, उसके अंदर ही है, उस पदार्थ के अंदर ही है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसको कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बन गया होल। होल कोई पार्टिकल नहीं है, बताओ क्या इसी को हम कह रहे हैं होल, तो क्या होल कोई पार्टिकल है, क्या है होल, खाली जगह। क्या बता रहा है कि इसके बॉन्ड को कंप्लीट होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है कौन, होल। तो होल कोई पार्टिकल नहीं है, याद रहेगा। आइए और टेम्परेचर बढ़ावे, एक आध इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा और क्या होगा, होल क्रिएट होगा, होगा चलें। अब देखो जरा, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या होगा, चलो ये निगेटिव वाला इसको रिपल करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये क्या करेगा, ये ध्यान से देखो, इसको रिपल करेगा और पीछे वाला तो इसको रिपल कर रहा होगा, इसके पीछे वाला ये इसको रिपल कर रहा होगा, ये यहां आ जाएगा और ये इसको ढकेल देगा, ये आगे बढ़ेगा तो इसको ढकेल देगा, ये इसको ढकेल देगा, क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन जाने लगे, करंट का फ्लो हो गया, बोलिए तो किसकी तरह काम किया? कब? टेम्परेचर बढ़ाने में। इसका मतलब जब टेम्परेचर कम रहेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा? लेकिन रुकिए, देखो अगर सोचो ये चार चेयर है, ठीक है, इस पे एक आदमी बैठा है, इस पे एक आदमी बैठा है, इस पे बैठा हुआ है और ये चेयर खाली है। ये चेयर क्या है? खाली। तुम इधर से आए, इसको मारे धक्का, और सटले सटल चेयर है, दूर दूर में है, बेंच समझो, बेंच पे चार आदमी बैठ सकता है, बैठ गया है, जैसे आप बैठे हो, इधर से कोई आया, इसको ढकेल दूंगा तो क्या होगा? ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये क्या होगा बेचारा? नीचे गिर जाएगा। ये वाला कहां चला जाएगा? यहां। ये वाला कहां? यहां। ये वाला कहां? यहां। तो ये जगह क्या हो जाएगी? खाली। इसका मतलब तुम इधर की ओर गए, खाली जगह यहां थी, तुम इधर की ओर गए तो ये खाली जगह यहां से यहां पहुंच गई। इसका मतलब क्या कहोगे? तुम इधर गए तो खाली जगह इधर आ गई। तो क्या तुम उधर गए थे, खाली जगह उठ के चली आई थी? नहीं। लेकिन कहेंगे ना कि खाली जगह इधर आ गई। तुम पटना जा रहे हो, ट्रेन पटना पहुंच गई तो क्या कहते? अभी उठ बे साला सुतरा है, उठ पटना आ गया। तो पटना आया था उठ के तुम्हारे पास कि तुम पटना पहुंचे थे? तुम पटना पहुंचे थे ना। तो ये होल मूव नहीं करता है, ये होल मूव नहीं करता है, समझ गया बात को? अब जैसे ये है, कौन सा आवेंगे? समर सिंह है, ठीक है, सन्नी बाबू है, डॉक्टर भी है, चलो ये भी है, और ये है। मान लो ये चार लड़के, ये अगली बेंच पे बैठे हुए चार लड़के, चारों की शादी नहीं हो गई, शादी इनकी नहीं हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है साहब, इनको पता चला कि नेपाल का एक जगह है जहां जिस गांव में घुस जाओ नहीं कि तुरंत गांव वाला पकड़ के ब्याह करा देता है। पता चल गया क्या होगा? जाएगा, लाएगा। लेकिन इससे ताकतवर अगर ये है और यहां चलता है कोई कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बेचारा जाके कहीं से लाया, खोहा देखे हुए था कहां से लाना है, लाया, अभी ज्यादा ताकतवर है तो लेने आएगा, समझ देखो कितना मोटा तगड़ा है, तुरंत उठा के ले आएगा अपने घर, बोलेगा चल हमारे साथ रहना, ठीक कहेगा जाओ कोनो बात में है, हम फिर चल जाते हैं, हम तो खोहा देखे हुए हैं, खिया देखे हुए, जाके ले आएंगे। ये क्या करेगा? दूसरे को ले आएगा। अभी होल होल की बात नहीं है, अभी हम कह रहे हैं ये चार लड़के हैं, ठीक है, अब इससे भी ताकतवर कौन है? ये। तो क्या होगा? जैसे इसके पास आएगा, देखेगा आया है, ये क्या करेगा? ये ले आएगा, और ये खाली हो गया फिर तो ये इधर से ले आएगा, ये फिर जाके वहां से ले आएगा, और ये फिर कहां? यहां, और यहां से। ये कंडीशन होगी कि नहीं बोलो? लास्ट में तो हम बैठे ही हैं, सोच लेना। तो देखो यहां क्या होगा, ये निगेटिव इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, तो ये पीछे से इसको रिपल करेगा, तो होल की टेंडेंसी क्या है? आठ पूरा करने की, कि हमको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और यहां से तो इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहे हो तुम, तो किसके पास आएगा? इसके पास। लेकिन ये जो है इससे भी ज्यादा अट्रैक्शन उसके पास होगा। रीजन क्यों होगा बोलो? क्योंकि इधर का पोर्शन किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से, इससे ये अट्रैक्ट कर लेगा, इससे ये, तो इससे क्या होगी? करंट फ्लो कर जाएगी। बोलिए बात समझ में आया? चले, सेमीकंडक्टर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसमें क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें क्या देख रहे हो? केवल सिलिकॉन सिलिकॉन है ना, बोलो केवल क्या है? सिलिकॉन सिलिकॉन। इसमें कोई और एटम मिला दिया जाए तो मतलब इंप्यूरिटी मिल गई। बोलो भाई, अगर सोने का कान वाला बनवाया, कोई लड़का लोग भी पहनता है, बनवाया, उसमें क्या किया? सोना में कुछ मिक्स कर दिया, कॉपर ज्यादा कर दिया, तो बताओ इंप्यूरिटी बढ़ गई ना। तो उसमें कॉपर एटम में मिला दिया गया तो इंप्यूरिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अगर इसमें केवल सिलिकॉन है तो बताओ ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है ना। ये सिलिकॉन क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म में, अत्यधिक प्योर फॉर्म में।
तो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब केवल सिलिकॉन 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 या केवल जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, तो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ जो सेमीकंडक्टर होता है उसी को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्पेशली कुछ थोड़ी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यही है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर। और इसमें क्या होता है, क्या देखे थे, कम टेम्परेचर पे करंट का फ्लो नहीं हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाए तो करंट का फ्लो हुआ। आखिर में कितने टेम्परेचर पे, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, कितने पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जब एब्सोल्यूट बार लगा दिया, मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस, जीरो केल्विन पे, किस पे, जीरो केल्विन पे, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जीरो केल्विन पे। ये किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, मतलब इसके सारे बॉन्ड बने रहते हैं, सारे बॉन्ड बने रहते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हो कितने पे ले आओगे, रूम टेम्परेचर पे, तो इसके बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो कैरियर डेवलप होगा। अब कैरियर क्या हो गया सर, कैरियर क्या, कैरियर मैंने ढोने वाला, तुम्हारी साइकिल में भी कैरियर होता है ना, है तुम्हारे साइकिल में कैरियर, क्या ढोते हो उस पर, बगल वाली को बैठा के ले जाता है। तो कैरियर पे अगर, तो क्या तुम्हारा जो कैरियर है वो बगल वाली को ढोने वाला कैरियर नहीं ना, वो लगेज कैरियर है ना, लगेज ढोने के लिए था ना, कॉपी तोपी लगा लो, अभी अलग बात है तुम किसी को बैठा लेते हो तो उसको क्या कहते हो तुम, लगेज कैरियर, मतलब जिस चीज को कैरी करेगा उसका कैरियर। बताओ इसमें ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, किसकी मदद से आगे बढ़ रहे हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की मदद से भी और होल की भी मदद से, दोनों की मदद से। इसका मतलब इस पदार्थ में चार्ज को ढोने वाला, कैरी करने वाला कौन है, कोई नहीं। अरे भाई पहले कहो कोई नहीं, क्यों कोई नहीं, एब्सोल्यूट जीरो पे होगा, सब अपना अपना जगह पकड़े हुए, बॉन्ड कंप्लीट है, बॉन्ड कंप्लीट है, कोई इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, रूम टेम्परेचर पे लाए बॉन्ड टूट गया, टूट गया तो करंट बह गई, किनकी मदद से, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की मदद से। तो बताओ चार्ज कैरियर इसमें कौन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है, तो भैया एब्सोल्यूट जीरो पे कुछ होता ही नहीं, और जब होता है तो कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कि होल ज्यादा होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो एक होल बनेगा, क्लियर, तो ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, बढ़िया। अगर सोचो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, हम पढ़ते हैं जिसमें करंट का कंडक्शन, करंट का बहाव, करंट का फ्लो किससे, या तो सेमीकंडक्टर से, या तो सेमीकंडक्टर से, या वैक्यूम ट्यूब से होकर हो, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, नहीं है सिलेबस में, लेकिन सेमीकंडक्टर हम जान रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें क्या लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, बड़ा खतरनाक है सेमीकंडक्टर। पता चला लद्दाख में तुम्हारी पोस्टिंग हो गई नौकरी मिलने के बाद, एकदम जनवरी का महीना है, अब सोचो लद्दाख, लद्दाख से भी ऊपर चले जाओ जहां माइनस में टेम्परेचर जाता है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, सियाचिन, अरे वो सब कारगिल वारगिल जो था गधावा सब जो बैठ गया था आके जाके इधर से रगड़ा था, पता है कारगिल वारगिल नहीं सुने हो तुम लोग, हाँ मान लो वहां चले गए तुम, वहीं पे टेंट वेंट लगा के अंदर में तो टीवी है, आए देखने के लिए टीवी, क्या होगा, सब बॉन्ड बन गया और तुम्हारे टीवी में ही लगा हुआ है, या तुम्हारे मोबाइल में ये लगा हुआ है, और तुमको अपनी मैडम से बात करना है तो क्या होगा, सब बॉन्ड बन गया, करंट बहवे नहीं करेगा तो क्या होगा, तुम्हारा मोबाइल नहीं चलेगा, क्या करोगे, आग जला के उसको गर्माओगे, बोलो भाई, और चले गए बहुत गर्म इलाके में तो पता चला बॉन्ड ज्यादा टूट गया, ज्यादा कैरियर, ढेर सारी करंट जल गया, नहीं, हम इस प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते हैं, क्लियर, इसमें हम कुछ इंप्यूरिटी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कुछ इंप्यूरिटी मिलाते हैं, और इंप्यूरिटी मिलाने पे जो सेमीकंडक्टर बनता है वह कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक चीज गौर करो, अच्छा छोड़ो बाद में बात करेंगे, तो इसकी एक प्रॉपर्टी पे और बात करें, पहले तो हम जान गए कि ये सेमीकंडक्टर है, क्या है सेमीकंडक्टर, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार, क्या कहेंगे इसको, पेंटावेलेंट एटम, टेट्रावेलेंट एटम कहेंगे, ठीक
ठीक है, क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसकी तरफ बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरफ, पीछे से आवाज नहीं आई। और रूम टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्लियर? इतनी प्रॉपर्टी समझे आप? अब आइए आगे बढ़े। तो हमने कहा कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी मिलाने का क्या मतलब, इंप्यूरिटी हिंदी में लिख देता शुद्धता, अंग्रेजी में समझते हो इंप्यूरिटी, मतलब सोचे कुछ कचरा फचड़ा अलतू फालतू चीज मिला दिया। अरे इंप्यूरिटी का मतलब हुआ उसमें जो पर्टिकुलर एटम है उसके अलावा कुछ भी मिला दिए, मतलब उसमें इंप्यूरिटी मिल गई। अगर पानी की बात करें, इंप्योर वाटर, तो शुद्ध वाटर में क्या जानते हो ना, बोलो, सोडियम बाई कार्बोनेट मिल गया, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट या सल्फेट मिल गया, तो क्या हो गया, इंप्योर वाटर हो गया ना, मतलब दूसरे एटम अगर उसमें मौजूद हो गए तो इंप्योर वाटर। इसमें भी दो तरह की इंप्योरिटी मिला सकते हैं, क्या बनाने के लिए, एक्सटेंजिंग बनाने के लिए। कितने प्रकार की इंप्यूरिटी, दो प्रकार की, एक बना सकते हैं ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी मिला दें, क्या मिला दें, ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी, और दूसरा है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिला दें, या तो ट्राई मिला दें या तो पेंटा मिला दें। दूध में पानी मिला दिए तो पानी क्या हुआ, इंप्यूरिटी हुआ, तो क्या तैयार होगा, शुद्ध दूध तैयार होगा, अशुद्ध ना। इसका मतलब सिलिकॉन 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 में कोई ट्राइवेलेंट एटम मिला दें तो जो तैयार होगा एक्सट्रिंसिक कहेंगे, लेकिन वह क्या होगा, इंप्योर सेमीकंडक्टर होगा ना, शुद्ध दूध नहीं कहलाएगा। इसी सिलिकॉन 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 में टेट्रावेलेंट में क्या मिला सकते हैं, पेंटावेलेंट में मिला सकते हैं, तो पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो अलग टाइप का बनेगा, और ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो अलग टाइप का। शुद्ध दूध में पानी मिलाओगे तो अलग टाइप का मिलेगा, और उसी शुद्ध दूध में खड़िया तड़िया पीस के, यूरिया तूरिया पीस के मिलाओगे तो अलग टाइप का दूध तैयार होगा ना। इसी में टेट्रावेलेंट में अगर हम ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो अलग टाइप का एक्सट्रिंसिक बनेगा, और पेंटावेलेंट बनाएंगे तो अलग टाइप का बनेगा। इस बात से सहमत हो? बोलिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ये सिलिकॉन 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 या जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, या दूसरी भाषा में कहो जो टेट्रावेलेंट एटम से केवल मिलके बना है, या कहो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, या कहो एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर मतलब अत्यधिक शुद्ध सेमीकंडक्टर, केवल सिलिकॉन है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, यहां क्या हो गया, प्योरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा प्योर, इससे ज्यादा प्योर नहीं हो सकता। तो प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या मिलाएंगे, इंप्यूरिटी। क्यों भैया, इसका जो करंट का कंडक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। उसको कम करने के लिए, उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, इंप्यूरिटी मिलाते हैं। इंप्यूरिटी कितने प्रकार की मिला सकते हैं, दो प्रकार की, पूछ लेना बाद में कि पेंटा मिलाना तो हेक्सा वैलेंट का नहीं मिला दें, डाईवेलेंट का नहीं मिला दें, चर्चा करेंगे। तो क्या मिलाएंगे, या तो ट्राईवेलेंट या तो पेंटावेलेंट। तो ट्राईवेलेंट मिलाएंगे तो अलग टाइप का एक्सट्रिंसिक बनेगा, और पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो अलग टाइप का बनेगा। जवाब ही दे देते हैं, एक केस में पी टाइप बनेगा और एक केस में एन टाइप। अब पी एन को जोड़ देंगे तो पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा, एक पी एक एन और एक पी को जोड़ देंगे तो पी एन पी ट्रांजिस्टर बन जाएगा, एक पी फिर एन फिर पी फिर एन जोड़ दे, दोनों किनारे से निकाल लें, पी से निकाल लें तो एस सी आर बन जाएगा। मतलब पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यही पी ओ एन पढ़ना है, ठीक है। बोलिए, बात समझ में आई, ठीक है, नेक्स्ट आगे बात।